नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। मैं हूँ पूजा त्रिपाठी। अगले आधे घंटे में हम समझेंगे कि ग्लोबल मार्केट से किस तरह के इंडिकेशन मिल रहे हैं, आज के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए और खबरों के लिहाज से कौन से शेयर आज एक्शन में रहेंगे, ये भी हम समझेंगे। लेकिन एक बार ग्लोबल मार्केट पर नज़र डाल लेते हैं। यहाँ पर अगर एशियाई बाजारों की को देखें तो मिले जुले रुझान इस पर देखने को मिल रहा है। अमेरिकी बाजार में काफ़ी अच्छे क्लोजिंग देखने को मिली, 780 अंक की मजबूत क्लोजिंग अमेरिकी बाजार में, और यूरोप के बाजार सपाट बंद हुए। ग्लोबल मार्केट पर एक अपडेट लेंगे, लेकिन दीपांशु को एक बार शामिल कर लेते हैं। कोरोना एक अपडेट लेकर वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांशु, आप बताइए, कोरोना का जो प्रकोप है वो बढ़ता जा रहा है, और आपने पिछले 3 महीनों का जो ट्रेंड है वो भी एक उसकी भी डिटेल्स निकाली है, उसके बारे में बताइए और इस वक्त क्या अपडेट है। बिल्कुल, अगर कोरोना की बात करें तो काफ़ी तेज़ी से मामले बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में फिर से 80,000 से ज़्यादा मामले सामने आए, 82,000, और कल भी जब हम बात कर रहे थे तो हमने देखा था कि 82,000 नए मामले आए थे। तो एक कहीं ना कहीं ग्लोबल लेवल पर जो फ्लैटनिंग ऑफ द कर्व कहते हैं वो अभी देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि तेज़ी से मामले बढ़ रहे हैं। अब कोरोना के 15 लाख से ज़्यादा मामले आ चुके हैं, 88,000 लोगों की मौत हो गई, और ये 88,000 लोगों की मौत का आंकड़ा अगर आप देखें तो चीन में कुल संक्रमित जितने लोग हुए थे कोरोना से, उससे ज्यादा अब कोरोना से लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये एक चिंताजनक आंकड़ा है। अगर आप कोरोना के फैलने की बात करें तो 2 महीने पहले 8 फरवरी को इस समय 37,000 मामले थे, 1 महीने पहले 8 मार्च को 1.1 लाख, यानी कि 1,10,000 मामले थे। अब आप देखें 8 अप्रैल यानी कि कल तक का जो अपडेटेड आंकड़ा है, या आज सुबह तक का जो अपडेटेड आंकड़ा है, तो 15 लाख मामले सामने आए हैं। तो आप देखिए, 2 महीने पहले जो 37,000 मामले थे, आज 15 लाख मामले आ गए हैं, और लगभग दिन बर दिन 80,000 नए मामले सामने आते हैं, और लगभग 6,000 से 7,000 लोगों की मौत हो रही है दिन बर दिन ग्लोबल लेवल पर। हम अमेरिका की बात करेंगे, उससे पहले मैं यूरोप की बात करना चाहता हूं, क्योंकि यूरोप में एक डराने वाला आंकड़ा यह है कि ये जो 15 लाख लोग आप देख रहे हैं, आज जो संक्रमित लोगों की संख्या है, उसमें से 7.5 लाख सिर्फ यूरोप में है, यानी कि विश्व में 15 लाख केसेस के आधे केसेस इस समय यूरोप में है। हमने इटली और स्पेन की तो बात करी है, फ्रांस की कल चिंता बढ़ रही थी, आज जर्मनी की चिंता है। जर्मनी में पिछले 24 घंटों में लगभग 6,000 से 7,000 नए मामले सामने आए हैं। जर्मनी में अब 1,13,000 से ज्यादा मामले हैं। जर्मनी, स्पेन, इटली और अब यूके भी एक चिंताजनक एरिया हो गया है। तो लगभग जो जितने भी बड़े यूरोप के देश हैं, सभी में कोरोना काफी तेजी से फैल रहा है, और ये एक काफी चिंताजनक बात है इस समय, जिस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। अमेरिका की बात करें तो एक बार फिर से 30,000 नए मामले सामने आए हैं, और 1900 लोगों की मौत हुई है पिछले 24 घंटों में। अमेरिका में अब संक्रमित लोगों की संख्या 4,30,000 के पास है, और वहीं 14,700 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। हालांकि ट्रंप साहब ने एक ट्वीट करी है, और उस पर भी आपको नजर डालना चाहिए। उन्होंने सिर्फ लिखा है फ्लैटनिंग ऑफ द कर्व, यानी कि वो एक भरोसा दिलाना चाहते हैं लोगों को कि देखिए कोरोना कंट्रोल में आ रहा है और हम इस कर्व को फ्लैटन कर देंगे। फ्लैटनिंग ऑफ द कर्व यानी कि एक पीक हो जाएगी। हालांकि अभी तक वो देखा नहीं है, क्योंकि वैसे संकेत आए नहीं है एक दिन के अलावा, पर ट्रंप साहब ने ये आश्वासन जरूर दिया है कि हम इस कर्व को फ्लैटन कर देंगे। इसके अलावा एक बड़ा अपडेट जो यूएस से ये आया है कि इन्होंने पहले जो कोरोना से मरने वालों का अनुमान लगाया था वो 1 से 2 लाख लोग था। अब जो इनकी टास्क फोर्स हेड कर रहे हैं डॉक्टर एंथनी फाउची, वो कह रहे हैं कि अब ये आंकड़ा 60,000 के पास होगा। तो एक बहुत शार्प डाउनवर्ड रिवीजन हमने देखा है, जो कि एक अच्छी बात है, और इसलिए बाजारों ने भी रिएक्ट किया, जिसके बारे में बात करेंगे। भारत की बात करें तो पिछले 24 घंटों में 565 नए मामले सामने आए हैं, अब लगभग 6,000 लोग संक्रमित हैं, और 20 लोगों की मौत भी हुई है, जिसकी वजह से अब टोटल मरने वालों की संख्या 180 हो गई है। बिल्कुल, और भारत में तो अभी लॉकडाउन बढ़ाने की भी बात की जा रही है। खैर, उस पर देखना होगा कि क्या अपडेट आता है, लेकिन उसी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं यूरोप में। लेकिन अमेरिका की तरफ से जो कमेंट्स आ रहे हैं, ट्वीट आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक आशा दे रहे हैं कि हो सकता है कि मामला अब पीक पर पहुंच चुका हो। लेकिन दीपांशु, ग्लोबल मार्केट के हालात कैसे हैं? एशियाई बाजार तो हम देख रहे हैं कि मिलीजुली शुरुआत है, अमेरिका काफी पॉजिटिव बंद है, तो क्यूज क्या मिल रहे हैं ग्लोबली? बिल्कुल, आप बल्कि कह सकते हैं पूजा की थोड़ी मजबूती दिखा रहे हैं इस समय ग्लोबल बाजार, और इसकी वजह दो है। एक तो अब एसजीएक्स निफ्टी में देखें तो लगभग अब 120-130 अंकों की तेजी है, तो हालांकि ऊपरी स्तरों से लगभग 80 अंकों की गिरावट हुई है, बट फिर भी अच्छी शुरुआत के संकेत आ रहे हैं, 1.5% ऊपर है इस समय। दो चीजें हैं जिसकी वजह से कल शाम हमने अमेरिकी बाजारों में तेजी देखी, जो 700 अंक की तेजी डाउ में देखी, 2.5 से 3% की तेजी नैसडैक और S&P 500 में देखी। इसकी दो वजह हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि बर्नी सैंडर्स, जो डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से एक कैंडिडेट बनते हुए दिख रहे थे,
अब वो प्रेसिडेंट की रेस से बाहर हो गए हैं, यानी कि अब डायरेक्ट कंपटीशन जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में होगा। और ये बाजार अच्छी तरह से ले रहा है, इससे निवेशक खुश इसलिए हैं क्योंकि मार्केट फ्रेंडली अगर पॉलिसीज देखें तो जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप एकदम सेम है जब उनकी मार्केट की अप्रोच की आप बात करें। पॉलिसीज अलग हो सकती हैं बट मार्केट की तरफ दोनों की अप्रोच लगभग सिमिलर है, इसलिए निवेशक खुश हैं क्योंकि बर्नी सैंडर्स की मार्केट की जो अप्रोच थी वो टोटली अलग थी। ये टैक्सेस बढ़ाना चाहते थे, कुछ रिफॉर्म्स करना चाहते थे जिससे मार्केट खुश नहीं था। हेल्थ केयर पर इनके बहुत स्ट्रांग व्यूज थे तो कल हेल्थ केयर स्टॉक्स में बहुत अच्छी तेजी देखी क्योंकि बर्नी सैंडर्स अब रेस से बाहर हैं और मार्केट चाहती भी थी कि डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच में ही जो चुनाव होगा नवंबर में इन दोनों के बीच में ही हो और अब वैसा ही होने वाला है, इसलिए मार्केट थोड़ी खुश थी, इसलिए हमने तेजी देखी। और दूसरी बात जो थी, जो जैसे मैंने आपके बताया कि एक एस्टिमेट रिविजन करा है, डाउनवर्ड एस्टिमेट बहुत बड़ा रिविजन करा है, 1 से 2 लाख का जो मौत का आंकड़ा अनुमान लगा रहे थे कोरोना से अमेरिका में, अब उसे 60,000 कर दिया। तो दोनों रीजंस की वजह से कल हमने अमेरिकी बाजारों में अच्छी तेजी देखी। इसके अलावा अगर आप देखें तो यूरोप के बाजार लगभग सपाट रहे। एक WTO का एस्टिमेट आया है जिसकी वजह से बाजार की चिंता बढ़ सकती है। WTO कह रहा है कि इस साल ग्लोबल ट्रेड में 13-32% तक की गिरावट देखने को मिल सकती है, तो वहां से थोड़ी चिंता आ सकती है ग्लोबल बाजारों के लिए। आज अमेरिकी बेरोजगारी आंकड़े आएंगे पिछले हफ्ते के, वहां पर नजर रहेगी क्योंकि पिछले हफ्ते के रिकॉर्ड में नया रिकॉर्ड बनाया था लगभग 33 लाख का, उससे पहले नया रिकॉर्ड बनाया था, तो फिर देखना पड़ेगा कि इस बार कितने ज्यादा बेरोजगारी के आंकड़े बड़े हैं, वहां पर नजर रहेगी। और दूसरी नजर रहेगी तेल पर, तेल हालांकि दायरे में रहा, ओपेक प्लस की आज मीटिंग है, अगर प्रोडक्शन को कट या आउटलुक पर कुछ आता है तो वहां पर भी बाजार नजर जरूर देंगे। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया दीपांशु ये सारी डिटेल्स हमारे सामने रखने के लिए। तो बेरोजगारी के आंकड़े आज आने वाले हैं अमेरिका की तरफ से, वहां नजर रहेगी माफ कीजिएगा, और ओपेक प्लस की बैठक भी है तो क्या आउटकम आता है इस पर भी नजर रहेगी। कुल मिलाकर संकेत पॉजिटिव ही है। एक बार देख लेते हैं कि FIs और DIIs की तरफ से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं। कैश मार्केट में काफी अच्छी खरीदारी हुई है विदेशी निवेशकों की तरफ से, करीब 1940 करोड़ की खरीदारी हुई है FIIs की कैश मार्केट में, और लगातार यहाँ पर एक बाइंग दिख रही है घरेलू मार्केट में। लेकिन बात करें घरेलू निवेशकों की, अगर बात करें तो कैश मार्केट में बिकवाली हुई है उनकी तरफ से 1758 करोड़ की, और वायदा बाजार में भी विदेशी निवेशक जो है वहां पर उन्होंने बिकवाली की है करीब 2000 की। तो कैश मार्केट में तो खरीदारी है लेकिन बाकी जगह बिकवाली देखने को मिल रही है। इन सब संकेतों को कैसे पढ़ना चाहिए, आज के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए, ये भी समझ लेते हैं और रुख करते हैं हमारे खास सेगमेंट का जहां हम हर रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह जी। गुड मॉर्निंग अनिल जी, ग्लोबल बाजारों से तो संकेत अच्छे मिल रहे हैं, अमेरिका की तरफ से जो कमेंट्स आए हैं वो काफी पॉजिटिव हैं, और SGX निफ्टी भी अगर हम देखेंगे तो इस वक्त 8,900 के पास आसपास कारोबार कर रहा है, ऐसे में आज घरेलू बाजारों की चाल कैसी रह सकती है? देखिए मजबूत शुरुआत तो होगी इसमें कोई डाउट नहीं है क्योंकि संकेत जो कुछ भी अमेरिका से मिल रहे हैं वो हमारी उम्मीद से काफी बेहतर है। कल जब हम बंद हुए थे तो अमेरिकी फ्यूचर एकदम फ्लैट ट्रेड कर रहे थे, 25-50 पॉइंट ऊपर नीचे इसी रेंज में ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, तो इतनी बड़ी तेजी अमेरिका में बनेगी इसका अंदाजा नहीं था, तो उसका फायदा तो एक मिलेगा। वो तेजी की दोनों ही वजह, एक तो वहां के राष्ट्रपति चुनाव के डेवलपमेंट और थोड़ा ट्रंप साहब का कॉन्फिडेंस कोरोना को लेकर, इन दोनों की वजह से जो तेजी बनती हुई दिखी उसका फायदा मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि अब आपके सामने इंडियन मार्केट से आइए, ये तो ग्लोबल मार्केट से संकेत आपके लिए ठीक हो गए, लेकिन इंडियन मार्केट में आपकी करेंसी कल 1% कमजोर हुई है, ठीक है, उसके अलावा आपके लिए कोरोना को लेकर आंकड़े अभी भी बहुत अच्छे इंडिया के नहीं आ रहे हैं, 3 दिनों का लंबा वीकेंड है, सोमवार को आप खुलेंगे तो ये, और आज एक्सपायरी है, तो ये 4 चीजें ऐसी है जो बाजारों को वोलेटाइल रखेंगी। लेकिन इन 4 चीजों में एक और अच्छी चीज जो है भारतीय बाजारों के लिए ग्लोबल मार्केट के साथ साथ, वो है FIIs की खरीदारी के दमदार आंकड़े। तो कैश मार्केट में हालांकि वायदा कारोबार में FIIs ने बेचा भी है, उतने मजबूत आंकड़े नहीं है जितने आप कैश में देख रहे हैं, FNO में उन्होंने बेचा भी है, लेकिन फिर भी बेटर आंकड़े हैं, लगातार 2 दिनों की खरीदारी के आंकड़े थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। तो मुझे लगता है कि रेंज बाउंड ट्रेड दोनों तरफ मौका मिल सकता है आपको ट्रेड करने के लिए आज से, तो 8,500 आज के लिए एक मजबूत सपोर्ट है एक बार की, तो 8,350 8,500 को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेंज आप मानकर चल सकते हैं, और ऊपरी स्तरों पर 9,000-9,150 ये वो रेंज होगी जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आते हुए दिख सकती है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, ऊपर की तरफ 20,000-20,500 वो रेंज है जहां पर मुनाफा वसूली आती हुई दिखेगी, 18,200-18,500 ये नीचे की रेंज है जहां पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो मुझे लगता है कि मजबूत शुरुआत होने के बाद हो सकता है हम थोड़ी और बढ़त दिखाएं, लेकिन उसके बाद थोड़ी ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट बुकिंग भी आने के
संकेत आपको आते हुए दिखेंगे। तो मेरे ख्याल से दोनों तरफ ट्रेड आपको देखने को मिल सकता है, एक तरफा ट्रेड शायद आज देखने को न मिले। ओके, तो एक तरफा ट्रेड नहीं मिलेगा, शुरुआत जरूर अच्छी होगी लेकिन एक तरफा ट्रेड यहाँ पर नहीं दिखेगा। और ये जो लेवल्स हैं 8,500 8,350 ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल्स है निफ्टी पर, जहाँ पर कि आपको एक मजबूत सपोर्ट जोन है जहाँ पर कि आपको नजर रखनी है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी ये सारी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स आपको बता दिए गए हैं और मार्केट में आज ओवरऑल रणनीति क्या होनी चाहिए ये भी हमने आपको बता दी, लेकिन खबरों के दम पर आज कौन से स्टॉक्स एक्शन में रहेंगे ये भी समझ लेते हैं। और देवांशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस आईडी डीएस लेकर। देवांशी गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा, आज सबसे पहले देखिए अगर यह ट्रिगर्स की बात करें तो निफ्टी निफ्टी बैंक की जो वीकली एक्सपायरी है इस पर नजर रहेगी और साथ ही आज फरवरी के आईपी आंकड़े आते हुए दिखेंगे। इसके अलावा जो ओपेक की बैठक भी होने वाली है और देखना होगा कि रूस की तरफ से क्या स्टैंड आता हुआ दिख रहा है और सारे देश यहाँ पे क्या स्टैंड लेते हैं इस पर नजर बनी रहेगी। इसके अलावा आज टाइटन और मेरिको ये दोनों कंपनीज अपने 14 मई के अपडेट जाहिर किए हैं और टाइटन ज्वेलरी सेगमेंट की जो आय है उसमें 5% तक की गिरावट देखने मिलेगी कोरोना वायरस के चलते। यहाँ पे जो जो मुनाफा यहाँ पे भी थोड़ी सी असर आती हुई दिख सकती है। वॉचेस और वेरिएबल सेगमेंट में 1% तक की बढ़त आती हुई दिखी है और वहीं आईवेयर सेगमेंट में हमने देखा कि 20% तक की गिरावट देखने की आशंका फिलहाल बनती हुई दिख रही है। जो मार्च महीना है वो उनके लिए काफी ज्यादा दिक्कत भरा बनता हुआ दिखा। मेरिको भी यही मान के चल रहा है कि भारत और विदेशी कारोबार दोनों में जो आय है उसमें गिरावट देखने मिलेगी और साथ ही अगर पिछले साल के मुकाबले चौथी तिमाही में देखें तो कामकाजी आय में भी गिरावट देखने मिल सकती है। कंपनी का जो फोकस है वो लागत कम करने पर लगातार बनता हुआ दिख रहा है। साथ ही उनका मानना है कि लिक्विडिटी की दिक्कतों के चलते फिलहाल आगे भी थोड़ी सी दिक्कत आती हुई दिखेगी। हेयर ऑयल सेगमेंट में सबसे ज्यादा आय में गिरावट आती हुई दिखेगी। साथ ही अल्ट्राटेक सीमेंट जहां पे राजस्थान हाईकोर्ट से कंपनी को राहत मिलती हुई दिखी है, 72 करोड़ के जीएसटी डिमांड को अब कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बिनानी सीमेंट के अधिग्रहण के बाद जीएसटी डिपार्टमेंट ने इस पेमेंट की मांग की थी। एचडीएफसी बैंक आरबीआई ने डायरेक्टर पद के लिए जो बैंक के द्वारा जो दो नाम सुझाए थे उनको रद्द कर दिया गया है, इसके चलते आज फोकस में रहेंगे। साथ ही लैब्स आज सारी की सारी फोकस में होंगी, जैसे कि डॉक्टर लाल्स, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, ये सभी लैब्स पर आज नजर रहेगी। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट का ये बयान आता हुआ दिखा था कि कोरोना वायरस की जो जांच है वो लेबोरेटरीज को मुफ्त में करनी चाहिए, इसके चलते हल्का से नेगेटिव सेंटिमेंट जरूर देखने मिल सकता है। और साथ ही आईडीबीआई बैंक दो खबर आते हुए दिखी है, बोर्ड ने रूपी बॉन्ड बोरोइंग की जो सीमा है वो अब 7,500 करोड़ कर दी है और साथ ही आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस में 23-27% की जो हिस्सेदारी है उसको बेचने की भी मंजूरी बोर्ड की तरफ से आती हुई दिखी है। अजंता फार्मा अच्छी खबर है, यूएस एफडीए से कंपनी या कुछ कोलेस्ट्रॉल से जुड़ी दवा है इसको यूएस एफडीए ने मंजूरी दे दी है। और फंड एक्शन की बात करें तो टाटा कम्युनिकेशन में फंड एक्शन होता हुआ दिखा है। फिडेलिटी मैनेजमेंट ट्रस्ट ने करीब 79 लाख शेयर्स बेचे हैं 235 पे और वहीं ईस्ट ब्रिज कैपिटल ने 44 लाख शेयर्स खरीदे हैं 235 रुपए प्रति शेयर के भाव पर। ओके, तो काफी सारे स्टॉक्स हैं जहां पर कि आज आपको नजर रखनी है खबरों के चलते। बहुत बहुत शुक्रिया देवांशी ये सारी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या होनी चाहिए, आज ट्रेडिंग के लिहाज से एक्शन कहाँ दिख सकता है ये भी हम आपको बता देते हैं। एक्सिस सिक्योरिटीज यहाँ पर इन्होंने दोनों ही कॉल्स में अपने खरीदारी करने की राय दी है। जो पहला स्टॉक होगा वो होगा वेदांता, खरीदारी करके चलिए 70 के लेवल पर, स्टॉप लॉस लगाइए 67 का, टारगेट 75-70 रुपए का टारगेट स्टॉक में आज के लिए देखने को मिल सकता है। और दूसरा कॉल है इनका महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंस, यहाँ पर भी ये खरीदारी करने की राय दे रहे हैं 154 के स्टॉप लॉस के लिए, टारगेट होगा 168 का। तो एक्सिस सिक्योरिटीज की तरफ से दोनों ही कॉल्स खरीदारी की है, लेकिन चॉइस ब्रोकिंग की जो एक कॉल आ रही है उसमें वो बिकवाली की राय दे रहे हैं मदर सुमी पर 5660 के लेवल्स पर, आप बिकवाली करके चलिए, फ्यूचर लेवल्स हैं ये, स्टॉप लॉस लगाइए 60 का और 52 तक के लेवल्स इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं, 52-49-80 के लेवल्स इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो आज मदर्स एंड सुमी में आप कर सकते हैं बिकवाली। लेकिन मार्केट में एक और भी रणनीति समझ लेते हैं और ये बताने के लिए संदीप वागले जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप जी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया सुबह सुबह समय देने के लिए। आज के लिए मार्केट में जो रणनीति है वो क्या होनी चाहिए, क्योंकि ग्लोबल संकेत जो मिल रहे हैं वो तो काफी पॉजिटिव साइड पर हैं। आपका क्या व्यू बन रहा है आज मार्केट को लेकर? गुड मॉर्निंग पूजा, मुझे लगता है कि मार्केट एक दायरे में रहेगा, 8550 का एक स्ट्रांग सपोर्ट है, 8550-8500 जो ब्रेक नहीं होना चाहिए। ऑन द अपसाइड 9000-9050
तक जाने के चांसेस है, अच्छे क्षमता है, तो ये 400 450 पॉइंट की रेंज में मैं समझता हूँ। और कल जब ये लॉकडाउन एक्सटेंड होने की न्यूज आई और मार्केट ज्यादा गिरा नहीं, तभी एक संकेत था कि बाउंस बैक और थोड़ा एक्सटेंड होगा, तो मैं ये रेंज को 8550 9050 के 500 पॉइंट की रेंज को आपको प्ले करना होगा और आपको स्टॉक स्पेसिफिक मूव दोनों साइड मिल सकते हैं। ओके, इसके अलावा अगले जी बैंक निफ्टी पर भी क्या कोई व्यू बन रहा है आपका? बैंक निफ्टी में मुझे अगर रेंज की बात करेंगे तो मुझे लगता है 18680 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो ब्रेक नहीं होना चाहिए, जो लगभग 200-250 पॉइंट नीचे है, और ऑन द अपसाइड 19,350-19,400 तक बैंक निफ्टी मुझे जाते हुए लगता है, शायद वो ऊपर में 19,500 तक भी जा सकता है, तो ये मेरी बैंक निफ्टी के लिए रेंज होगी आज के लिए। ओके ठीक है, तो निफ्टी के लिए 8550 और सुबह अनिल जी बात कर रहे थे कि 8500 ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है निफ्टी के लिए जहां पर कि आपको नजर रखनी है। इसके अलावा वागले जी स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति आज के लिए क्या होनी चाहिए? पूजा मेरे पास दो कॉल्स है, जैसे मैंने कहा स्टॉक स्पेसिफिक ही जाना होगा। एक बाय कॉल है, फार्मा की टीम काफी दिनों से चल रही है, मैं उसी को प्ले करूंगा। डिवीज लैब में मुझे स्ट्रेंथ दिखती है, उसमें मुंह आनी चाहिए, इसको बाय करके चले 2130 का मेरा स्टॉप लॉस होगा, 2250 का मेरा टारगेट होगा। मुझे लगता है ये आज के दिन में हो सकता है या आज और मंडे में इसमें आना चाहिए। एक सेल कॉल है, कल सीमेंट में मुझे वीकनेस दिखाई दी, अंबुजा सीमेंट में मुझे थोड़ी सी वीकनेस दिखाई देती है, इसको बेच के चले, स्टॉप लॉस होगा 153, टारगेट 143। ओके ठीक है, तो ये दो कॉल्स हैं वागली जी की तरफ से जहां पर कि आपको नजर रखनी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर सुबह सुबह समय देने के लिए अपना। डिवीज लाइव में खरीदारी की राय और अंबुजा सीमेंट में आज आप कर सकते हैं बिग वाली। चलिए यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद कमोडिटी मार्केट में क्या करना चाहिए और ब्रोकरेज के लिहाज से आज कौन से स्टॉक्स एक्शन में रह सकते हैं ये भी हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वक्त आपको बाजार में ओवर रिएक्शन से बचना है। जी हाँ, इस शब्द को गौर से सुनिए, ओवर रिएक्शन। ओवर रिएक्शन दोनों तरफ गलत है, तेजी की तरफ भी और मंदी की तरफ भी। 8000 के लेवल पर बहुत ज्यादा मंदी सोच लूं, शायद ये गलत है, ये लेसन हमें शुक्रवार को मिल गया। 9000 के नजदीक आने पर ओवर बुलिश हो जाऊं, ये लेसन आज शायद हमें मिल जाए। 8000 के आसपास आकर ओवर बेरिश नहीं होना है, 9000 के आसपास आकर ओवर बुलिश नहीं होना है। ऊपरी स्तरों पर सप्लाई की जो रेंज है 8900 से 9150, ये वो रेंज है जहां पर प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी, बिकवाली भी आएगी, शॉर्ट्स भी बनेंगे, आपको उसका इस्तेमाल करना है। बाजार ने बिल्कुल सही रेंज दिया, 8050 के आसपास से एक बहुत बढ़िया बाउंस और 9150 के आसपास से बहुत ही बढ़िया एक प्रॉफिट बुकिंग। बाजार एग्जैक्टली वैसे ही बिहेव कर रहा है जैसा हम सोच कर बैठे थे कि जब ऊपर हो ओवर बुलिश नहीं होना है, जब नीचे हो ओवर बेरिश नहीं होना है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और इक्विटी मार्केट में तो ओवरऑल एक्शन हमने समझ लिया, लेकिन कमोडिटी मार्केट में आज क्या रुझान है, वहां से क्या रुझान मिल रहा है ये भी समझ लेते हैं। और हमारे साथ अनुज गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग, सबसे पहले तो बताइए कि क्या व्यू बन रहा है आपका और गोल्ड में आज क्या करने की रणनीति होगी? पूजा जी गुड मॉर्निंग, देखिए गोल्ड में हमने पॉजिटिव ट्रेंड आते हुए देखा है, हालांकि कल भी मार्केट एक रेंज में था, इंटरनेशनल मार्केट में भी गोल्ड पॉजिटिव साइड में ही ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कि गोल्ड में बाय करके चलना चाहिए, करीबन 44,500 के आसपास स्टॉप लॉस 44,100 का रहेगा, टारगेट 45,200 का रहेगा। एमसीएक्स में हमें लगता है कि गोल्ड में इंट्राडे के लिए बाय का ट्रेड बना सकते हैं। ओके, और कच्चा तेल आज इस पर क्या व्यू बन रहा है, क्योंकि आज काफी अहम दिन भी है, ओपेक प्लस देशों की आज बैठक भी होने वाली है और उसके पहले हमने देखा कि कच्चा तेल दायरे में ही कारोबार कर रहा था। आपका क्या व्यू बन रहा है, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है इस बैठक से और इसके पहले कच्चे तेल में ट्रेड क्या लेकर चलना चाहिए? देखिए कल हमने देखा था यूएस की इन्वेंट्रीज बढ़कर आई थी, तो जो ट्रेंड बना है क्रूड का वो भी नेगेटिव है। हालांकि मीटिंग है, मीटिंग में आउटकम अगर देखें तो शायद प्रोडक्शन कट को लेके आ सकता है, मगर जितनी प्रोडक्शन कट की वो बात कर रहे हैं उससे देखें तो मुझे लगता नहीं कि ज्यादा
तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि जो डिमांड साइड है वो बहुत ज्यादा वीक है। मुझे लगता है कि डिमांड कमजोर होने की वजह से उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो ट्रेंड डाउन है तो ट्रेंड के साथ ही जाना चाहिए। मुझे लगता है कि क्रूड में बिकवाली का ट्रेड ही बनाना चाहिए, 1950 के आसपास बिकवाली करके चले, नीचे करीबन 1800 रुपए तक के लेवल देखे जा सकते हैं। ओके तो ठीक है, क्रूड में बिकवाली करके चलिए, गोल्ड में खरीदारी करके रहे। क्रूड का लेवल्स और स्टॉप लॉस और टारगेट आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। और अनुज, रुपी रुपी पर क्या ट्रेड लेना चाहिए आज के लिए? देखिए रुपी अब देखिए तो एक ओवरबॉट जोन में चला गया है, हमें लगता है कि यहाँ से रुपी एप्रिशिएट हो सकता है, तो रुपी हमें लगता है कि यहाँ से मिस डॉलर के अंदर बिकवाली करनी चाहिए। हमें लगता है कि नीचे करीबन 76 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। ओवरबॉट जोन में तो यहाँ पे खरीदारी ना करें, हमें लगता है कि यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और रुपी यहाँ पे स्ट्रांग हो सकता है, तो बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। ओके तो स्ट्रांग हो सकता है, बिकवाली का ट्रेड बनाइए, स्टॉप लॉस होगा 77.10 का और 76.10 के टारगेट के लिए आप कर सकते हैं रुपी में बिकवाली। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जरा सुबह सुबह समय देने के लिए अपना। तो ये था कमोडिटी मार्केट का एक्शन, गोल्ड में आप करिए खरीदारी और क्रूड और रुपी में बिकवाली करने की राय इस वक्त आपको दी जा रही है। लेकिन ब्रोकरेज हाउस के रडार पर आज कौन से स्टॉक्स फोकस में रह सकते हैं ये भी हम आपको बता देते हैं। आज मैक्वायरी की रिपोर्ट आई है SBI कार्ड्स पर और आउटपरफॉर्म की रेटिंग इन्होंने बरकरार रखी है, लक्ष्य लेकिन घटाया है, 1025 से घटाकर 775 का लक्ष्य यहां पर दिया है। तो SBI कार्ड्स पर नजर रखिए। और इसके अलावा HSBC की रिपोर्ट आई है UPL पर, यहां पर इन्होंने खरीदारी की राय दी है लेकिन लक्ष्य घटा दिया है, लक्ष्य 680 से घटाकर 450 का दिया है। तो ये दो रिपोर्ट्स आई है SBI कार्ड्स पर और UPL पर, जहां पर की आपको नजर रखनी है, लक्ष्य दोनों ही स्टॉक में वक्त घटा दिया है। चलिए ये तो था अभी तक का एक्शन, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि कुछ ही देर में हमारे साथ संदीप और कुशल भी जुड़ेंगे जो कि बताएंगे कि आज फास्ट मनी के जरिए 20 दमदार ट्रेडिंग कॉल्स क्या होनी चाहिए, जहां पर कि आपको नजर रखनी है। छोटा सा ब्रेक, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।